जय माता दी फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे चावल के आटे का चीला, जो बहुत ही टेस्टी होता है खाने में, साथ ही साथ हेल्दी भी होता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। चावल के आटे का चीला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल में एक कप चावल के आटे को डाल दिया है, हाफ कप और हम डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे कुछ वेजिटेबल्स। तो यहाँ पे मैंने कुछ वेजिटेबल्स को बारीक चॉप करके ले लिया है। एक मीडियम साइज का प्याज बारीक चॉप किया हुआ मैंने डाल दिया है, हाफ चॉप किया हुआ कैप्सिकम शिमला मिर्च, थोड़े से जिंजर बारीक चॉप किया हुआ, फ्रेश चिली 3 से 4 मैंने चॉप करके लिया है, ज़्यादा तीखा नहीं है, मिंट लीव्स चॉप किया हुआ, पुदीना पत्ता, एक टमाटर को मैंने बीज निकाल करके इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है, थोड़े से बीन्स को मैंने बारीक चॉप कर लिया है, हरा धनिया बारीक चॉप किया हुआ। अब सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हाफ लेमन जूस ऐड कर देंगे। भुना हुआ जीरा पाउडर 1 छोटी चम्मच, रेड चिली पाउडर 1 छोटी चम्मच, पिंच ऑफ हींग, क्यूमिन सीड जीरा 1/2 छोटी चम्मच, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, से पानी ऐड करेंगे, फिर तो हाफ ग्लास से ज़्यादा पानी मैंने एक बार में डाल दिया है, इसे मिक्स कर लेते हैं। इसमें पूरा 1 ग्लास पानी मैंने डाल दिया है, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए बैटर अभी भी ठीक है, इसमें हम 1/2 ग्लास पानी और ऐड करेंगे। चावल के आटे में पानी थोड़ा ज़्यादा यूज होता है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें जितना मन चाहे वेजीज ऐड कर सकते हैं। अगर बच्चे ऐसे वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं तो इस तरह से आप चीला बना के खिलाइए, बच्चे बड़े शौक से खाएंगे, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो ये देखिए बैटर जो है अभी भी थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, थोड़ा सा पानी हम और ऐड कर देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 15 से 20 मिनट के लिए हम रख देंगे, ताकि चावल का जो आटा है वो अच्छे से फूल जाए, फिर इसका हम चीला बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने गैस के ऊपर एक पैन रखा है, पैन गर्म हो चुका है, इसमें हम थोड़ा सा और देंगे। तो तेल को हम इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे, पूरा पैन के ऊपर फैला देंगे। बैटर भी हमारा फूलने के लिए रखा था बैटर को, तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी और मिक्स किया है, और तवा पे डालने से पहले एक बार हम इस तरह से मिला लेंगे। तो ये देखिए स्पून से जब हम तवा पे डाल रहे हैं तो ये अपने आप फैल रहा है, बैटर का कंसिस्टेंसी हमें इतना ही रखना है। और मीडियम फ्लेम पे इसे हम 1 मिनट के लिए सेकेंगे, फिर इसके ऊपर हम लेड लगा के 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे सेकेंगे, ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। तो 1 मिनट हो चुका है, अब हम ढक्कन लगा देते हैं इसका। अब इसका लेड हटा के चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए साइड से ही हल्का हल्का सिका सिका सा दिख रहा है। अब इसके ऊपर हम इस तरीके से तेल डाल देंगे फैला करके, और इसे मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए और हम सिकने देंगे, फिर इसको हम फ्लिप कर देंगे, पलट देंगे। अब इसे हम पलट देते हैं, देखिए स्पेचुला की हेल्प से हम इस तरीके से इसे पलट देंगे, बहुत इजीली पैन छोड़ देता है ये। वाओ देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, बिल्कुल क्रिस्प लग रहा है देखने से ही। अब इस साइड से भी इसे हम मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए सेकेंगे, फिर फ्लेम को हाई कर देंगे। मैंने इसे हाई फ्लेम पे 1 से 1.5 मिनट के लिए सेका है। तो ये देखिए ये अच्छी तरह से इस साइड से भी सिक चुका है, बिल्कुल परफेक्ट दोनों साइड से ये सिक चुका है। अब इसे हम एक प्लेट पे निकाल लेते हैं। सेम प्रोसेस से मैंने दूसरा चीला भी बना लिया है,
ये भी अच्छे से सिक चुका है दोनों साइड से, इसे भी हम निकाल लेंगे। और बाकी बचे बैटर का भी हम इसी प्रोसेस से चीला बना के रेडी कर लेंगे। इतना बैटर से हम 7 से 8 इस साइज का चीला बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसे टमाटो कैचअप के साथ सर्व कर लिया है। पर्सनली मुझे टमाटो कैचअप के साथ खाना चीला बहुत पसंद है। आप अपनी मनपसंद किसी भी सॉस या चटनी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।